हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधुसूदन पांडे फ्रॉम legallyprofessional.com। आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया। हाउ टू इनकॉर्पोरेट एन LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया। इस वीडियो को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है। एक पार्टनरशिप होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। बट अगर आप उस फॉर्म को और अच्छी तरह कंप्लायंसेस करना चाहते हैं लॉ के अंदर और उसकी मान्यता को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप LLP की तरफ आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक तरह से आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड करता है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, मेंबर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब वो जब कोई डिफॉल्ट कर देते हैं या किसी क्रेडिटर का पैसा पे नहीं करते, तो क्रेडिटर क्या होते हैं, उस पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी ऑब्लिगाइज्ड होती हैं क्रेडिटर के लोन को पे करने के लिए। बट इन केस अगर आप LLP इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, LLP बनवाते हैं, LLP में क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना आपने LLP में पेमेंट करी है, अपने शेयर्स के पैसे पे करे हैं, इसीलिए LLP का निर्माण किया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोन का पैसा पे नहीं कर पा रहे या किसी और अन्य रीजन से क्रेडिटर्स का पैसा पे नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपने जो कंपनी उतना ही पैसा ले सकती है आपसे जितने आपके शेयर कैपिटल। मतलब आपको 5 लाख जमा करने थे, आपने शुरुआत में 2 ही लाख जमा करे, 3 लाख रुपए ही लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं, कंपनी LLP आपसे डिमांड कर सकती है। बट इनकेस ऑफ आप पार्टनरशिप फॉर्म पे जाते हैं, वहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वहां आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ऑब्लाइज होती है और आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट की जा सकती है। तो ये एक मोटा मोटी आपका कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको जाना है www.llp.gov.in पे, यहाँ पे जाना होता है। वहां पे आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूजर रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि जो LLP आपका इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मे बी वो आपको कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है और मे बी कोई अदर रीजन हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। अगर आपको इस एक्ट के बारे में पता नहीं है तो आप कृपया करके इस LLP का रजिस्ट्रेशन ना करें, किसी की एडवाइस ले लें या किसी की मदद ले लें या किसी और अन्य बंदे की आप इसमें सहायता ले सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करवाने में। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको उस चीज की नॉलेज है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूजर रजिस्ट्रेशन को कहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन होता है, आपको जाना है www.llp.gov.in पे आपको जाना होता है और वहां पे होम पेज पे आपको एक कॉर्नर में एक मार्क मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, उस पर आपको अपनी डिटेल डालनी होती है सारी और आपका अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर किसका हो सकता है, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, ये मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते चलूंगा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर इज द सिग्नेचर, मतलब आप एक नॉर्मल सिग्नेचर करते हो और एक डिजिटली साइन होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप देखना गवर्नमेंट की, उसमें लिखा होता है दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइन, मतलब आपको IT एक्ट के अंदर जो साइन करने के लिए जो प्रोविजन रखा गया है या तो OTP के थ्रू होता है या डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर को इसलिए ज्यादा ऑथेंटिकेशन माना गया कि उसकी ऑथेंटिकेशन थोड़ी ज्यादा होती है और वहां पे कंप्लायंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं जब हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किए जाते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर जो यूजर लगाएगा, यूजर कौन होता है, यूजर बेसिकली कोई कंसल्टेंट हो सकता है या आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर प्रिपेयर करवाना होता है। आपको अपनी नॉर्मल डिटेल डालनी होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, और उसके बाद जब ये सब डिटेल डाल देते हो तो आपको फॉर्म सबमिट करना होता है डिजिटल सिग्नेचर लगा के। ठीक है, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है LLP साइट द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी www.llp.gov.in से, वहां पे साइन किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं जो LLP में अपने पार्टनर बनना चाहते हैं, जो भी जिसको हम डायरेक्टर भी कहते हैं, उन सबका DIN अप्लाई करना होता है, DPIN डायरेक्टर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर,
इसको डिन भी कह सकते हैं, DPIN अप्लाई करना होता है। DPIN जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपके पास एक तो सारे पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं मानता हूं दो पार्टनर्स है तो उन दोनों पार्टनर्स के आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए उनके, और डिजिटल सिग्नेचर जो होंगे वो क्लास 2 और क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ये क्लास 2 और क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है, इसके जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने सिर्फ स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर ही बनाई है और उसमें मैंने सब चीज डिस्कस करी है। जो क्लास 2 और क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर हैं ये आपके दोनों पार्टनर के कम से कम 2 से 3 हजार के बीच में ये बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है, डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद सब पार्टनर के डिजिटल सिग्नेचर आ गए, उसके बाद आपको अपने LLP का नाम सोचना होता है। LLP का नाम आप 6 नाम तक सोच सकते हैं। LLP का नाम, वो नाम ऐसे होने चाहिए कि वो और किसी कंपनी के नाम ना हो। वो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी और का नाम है या नहीं है, आपको सिंपली जाना है www.llp.in पे, वहां पे कंपनी मास्टर डेटा पे क्लिक करना है और आपने जो नाम सोचा हुआ है उस नाम को वहां पे टाइप कर देना है। अगर उस नाम से रिलेटेड कोई वैसा ही नाम से रिलेटेड कोई और कंपनी आ रही है तो आप उस नाम से रिलेटेड वो कंपनी नहीं बना सकते, आपको दूसरा नाम सोचना होगा। टोटल 6 नाम आपको चॉइस करने होते हैं। 6 नाम के बाद आपको टोटल 6 नाम आपको चॉइस करने होते हैं। 6 नाम चॉइस करके आपको फॉर्म 1 फाइल करना होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, जो फॉर्म होता है और उसमें सारी डिटेल डालनी होती है। 6 नाम तक आपको सारी डिटेल डालनी होती है। आप बोलते हो कि ये इन 6 नामों में से कोई भी एक नाम अलॉट कर दिया जाए। जब आप सारी डिटेल डालते हो तो कोई भी पार्टनर जो जितने पार्टनर बने हैं LLP के अंदर उनमें से किसी का भी डिजिटल सिग्नेचर लेके और वो फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको थोड़ी बहुत नेसेसरी फीस होती है। वो फीस कितनी होती है, वो फीस 100 से 500 तक वेरी कर जाती है नेम को प्रपोज करने के लिए। वो फीस को जब आप डालते हो, फीस को पे करते हो तो उसके बाद आपका फॉर्म जनरेट हो जाता है। वो फॉर्म जनरेट होने के बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको नाम अलॉट कर दिया जाता है विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर। जब आपको नाम अलॉट कर दिया जाए तो आपको दूसरा स्टेप क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आपका नाम आ गया, आपके सारे पार्टनर्स के डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गए, DPIN बन गए, डायरेक्टर पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सॉरी। तो जब आपकी ये सारी डिटेल जाती है आपको क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP करना होता है, मतलब LLP को इनकॉर्पोरेट करना होता है। उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए फॉर्म 2 फाइल करते हो। उसके लिए आपको फॉर्म 2 फाइल करना होता है। फॉर्म 2 फाइल करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपको LLP के पोर्टल पर जाना होता है, वहां पे फॉर्म 2 डाउनलोड करना होता है। फॉर्म 2 डाउनलोड करने के बाद उसके सारी डिटेल भरनी होती है, जैसे कि LLP का नाम क्या है जो आपको फॉर्म 1 के बाद मिला है, आपके सारे पार्टनर्स की डिटेल, LLP कहाँ पे बनी है, किस जगह पे बनी है, जिस जगह पे बनी है उस जगह का आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वहां से NOC होनी चाहिए अगर वहां का रेंट एग्रीमेंट नहीं है, और वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपके पास वहां का ऑनर का प्रूफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। जब आप फॉर्म 2 भरते हो तो उसमें आपके सारे डायरेक्टर की डिटेल जाती है, डायरेक्टर्स की डिटेल, जिसको आप पार्टनर्स भी कहते हैं, पार्टनर्स को भी डायरेक्टर कहा गया इसके अंदर, ठीक है। उसकी डिटेल जाती है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसका एड्रेस प्रूफ जाता है, और यही सब छोटी मोटी डिटेल जाती है जो नॉर्मली पता होती है आपको। जब आपके पास ये सारा डिटेल हो जाता है तो आपको उस फॉर्म को जब सबमिट करते हो तो उस फॉर्म को डिजिटली साइन करवाना होता है। डिजिटली साइन कौन कर सकता है, वो साइन कोई कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, जो प्रैक्टिस में है सिर्फ वही कर सकते हैं इसको साइन, ठीक है। जब आप उस फॉर्म को डिजिटली साइन करते हो तो उसके पास आपको एक DPIN नंबर अलॉट कर दिया जाता है, मतलब एक नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आपका फॉर्म डिजिटली साइन हो चुका है। जब डिजिटली साइन हो जाता है तो आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है फॉर्म 16 के अंदर। फॉर्म 16 के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसको COI कहते हैं। और जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाता है तो आपके पास उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स की डिटेल चेंज हुई है उस साल में या किसी और साल में, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है, चेंज हुई हो ना हुई हो, या उसके बाद आप चेंज हुई हो या ना हुई हो, आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल फॉर्म 4 के अंदर गवर्नमेंट को बतानी होती है। फॉर्म 4 और फॉर्म 3 के अंदर, फॉर्म 3 के अंदर क्या होता है, आपका LLP का एग्रीमेंट जाता है,
जो आपने LLP में एग्रीमेंट बनाया है। एग्रीमेंट बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का भी एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें आपके पार्टनर्स की डिटेल होती है और जिसमें आपका ये होता है, क्या नाम है, आपके बिजनेस का नाम क्या है जो आपने फॉर्म 1 फाइल करके लिया था। पार्टनर्स के टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, डायरेक्टर्स की, जिसको डायरेक्टर भी कहा जाता है, और उनका क्या क्या फीस है, वो किस किस तरीके से कंपनी उनको पे करेगी, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस क्या है, और हर पार्टनर्स का या हर डायरेक्टर का हर पेज पे साइन होना चाहिए, और जिसने उस डीड को बनवाया है उसका हर पेज पे साइन और स्टैम्प होना चाहिए। जब आपके जब ये चीज सब चीज हो जाती है तो आपको फॉर्म 3 में फाइल करना होता है ये सब चीज, जिसमें आपको सारे LLP एग्रीमेंट उसमें अपलोड करना होता है और उसके अंदर सारी डिटेल भरनी होती है जो उसके अंदर मांगी गई होती है, यही सब डिटेल होती है उसके अंदर। और उसके साथ आपको एक फॉर्म 4 फाइल करना होता है। फॉर्म 4 में आपके पार्टनर्स की डिटेल जाती है, जिसमें आपके सारे पार्टनर्स की डिटेल होती है कि कितने पार्टनर्स हैं, उनका डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये सब सबमिट करना होता है। जब आप फॉर्म 2 फाइल करते हो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का, तो फॉर्म 3 और 4 आपको विदिन 30 डेज और फॉर्म 2 फाइल करना होता है। बस ये शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसीजर था LLP को रजिस्टर करवाने का। अगर आपको LLP रजिस्टर करवानी है, इससे कोई भी हेल्प चाहिए आपको हमारी, तो आप सिंपली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम भी LLP को रजिस्ट्रेशन करवाने की ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमारा आउटलेट देख सकते हो हम किस किस तरह के काम करती है हमारी कंपनी, तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।